नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, सीएम योगी से मिले राज्यपाल फागू चौहान, ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। मेघालय के राज्यपाल ने सीएम से मुलाकात की है, सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की है राज्यपाल फागू चौहान ने। बड़ी खबर, मेघालय के राज्यपाल ने सीएम से मुलाकात की है सीएम आवास पर। यह मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस मुलाकात में हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस मुलाकात से जुड़ी हुई। मेघालय के राज्यपाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको, मंडलों के जनप्रतिनिधियों से सीएम करेंगे मुलाकात। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ मिर्जापुर के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। थोड़ी देर में सीएम योगी ये मुलाकात करने जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों में सांसद विधायक भी शामिल रहेंगे। तो बड़ी खबर, मंडलों के जनप्रतिनिधियों से सीएम मुलाकात करेंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। आजमगढ़ मिर्जापुर के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो मंडलों के जनप्रतिनिधियों से सीएम मुलाकात करेंगे, आजमगढ़ मिर्जापुर के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। तौकीर, आजमगढ़ और मिर्जापुर के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ रहने वाला है इस मुलाकात में? अब देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनाव की समीक्षा भी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के जो परिणाम आए हैं, खासकर वहां के जो जनप्रति हैं, जहां से चुनाव में हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, ये वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही। और जो वहां के अधिकारी हैं, जो वहां के जो संबंधित, चाहे वो थाना स्तर हो, चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती थी। कई ऐसे जो नेता है उन्होंने चुनाव के बाद ऐसे बयान भी दिए थे, तो इसीलिए जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है। सांसद हो, विधायक हो, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्या उनके जो जिले में जो जनप्रतिनिधियों की सुनवाई है, क्या वो अधिकारी करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या ऐसी परेशानियां हैं, या जमीनी स्तर पर आम लोगों को क्या ऐसी कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं, सड़कों को लेकर कोई परेशानी है, अस्पतालों को लेकर कोई परेशानी है। तो कहीं ना कहीं पूरे जिले की समीक्षा होनी है, सारे पूरे मंडल की समीक्षा होगी। कल भी अयोध्या और फैजा उसके देवीपाटन मंडल की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, और उस वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनसे भी मुलाकात की थी। यानी कि जो वो लगातार जो समीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जहां दिक्कतें हैं, जहां जिन जिलों में जनप्रतिनिधियों को दिक्कत आ रही है, वहां की रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। यानी कि तौकीर, कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर क्या कुछ परेशानियां हैं अलग अलग जगहों पे, मुख्यमंत्री इस पर खुद लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं उपचुनाव भी है, अभी 10 जो विधानसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसको लेकर भी एक मंथन है। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों में रोष रहा, क्योंकि जो वजहें सामने निकल कर आई हैं अभी चुनाव के बाद, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा की, 10 से 12 ऐसे पॉइंट है जहां पर उनको समीक्षा के बाद ये निकल कर आया कि उन जगहों पर कमियां रह गई। उसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना। वो बताते थे कि थाना स्तर पर कई ऐसे विधायक थे, सांसद थे, जिनको थाना स्तर पर धरना देना पड़ गया, एसडीओ और डीएम को चक्कर लगाते रहे, मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ऐसे जो मामले हैं, क्योंकि देखिए जो भी जनप्रतिनिधि है वो आम आदमी की बात कर रहे हैं, अधिकारियों से जाता है, जमीन से जुड़े मसलों पर बात करने जाता है कि पैमाइश है, चकबंदी है, ऐसे जो गांव के जो खासकर जो बड़े मसले हैं इस पर वो अधिकारियों से चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन जब उस पर नहीं हो पाता है तो गुस्सा जनप्रतिनिधियों में तो बढ़ता ही है, खासकर जनता में भी बढ़ता है। तो ऐसे मुद्दे अब आगे ना हो, यानी कि जो भी व्यवस्थाएं दी गई है प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरफ से वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसी की समीक्षा की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है, खासकर वहां से जो विधायक है, सांसद है, उनसे यही पूछा जा रहा है कि आपको आपके जिले में ऐसी कौन सी परेशानी है, ये अधिकारी आपकी बात सुनते हैं ना सुनते हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वो बैठक कर रहे हैं। और लगातार ये बैठक का दौर जारी भी है, कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक है, माना जा रहा है 2-3 दिन लगातार ये बैठक है, अभी और भी अलग अलग मंडलों के जो प्रभारी हैं उनसे भी चलेगी। चलिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बारिश का आफतकाल, क्योंकि प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो वहीं कई जगहों पर लोग जल जमाव की समस्या से काफी परेशान हैं। इसके अलावा आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी बारिश से राहत के आसार जो है वो दिख नहीं रहे हैं। कई जगहों के अलग अलग बारिश के आफतकाल की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो देखिए आपको बरेली की तस्वीर दिखा रहे हैं, भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। और ये तस्वीर, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर नंबर वन, स्कूल कॉलेज और घरों में पानी, बारिश का पानी घुस गया है। देर रात से जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरेली के जगतपुर और नवादा बाकरगंज जलमग्न हो गए हैं। रामपुर गार्डन, सुभाष नगर इलाका, ग्राम जलमग्न हो गया है। और ये दूसरी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए आगरा लगातार यहाँ पर बारिश से चंबल का बड़ा जो जलस्तर है, और राजस्थान मध्य प्रदेश में बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर आफत का कारण बन गई है। बारिश के पानी से चंबल का 6 मीटर जलस्तर बढ़ा है। पिनाहट घाट पर जलस्तर बढ़कर 118 मीटर तक पहुंचा। फिलहाल खतरे की बात नहीं है, लेकिन आशंका, प्रशासन अलर्ट पर है और पिनाहत घाट के चंबल नदी का जो मामला बताया जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, सितारगंज मौसम विभाग का अनुमान यहां पर सही साबित हुआ है। लगातार भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। जनता, आपको बता दें, नदी नालों से के किनारे ना जाने की अपील जो है वो की गई है। सितारगंज शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। सितारगंज के पास वाले NH 125 पर भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने बारिश के मद्देनजर इमरजेंसी नंबर भी जारी किए। तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब चौथी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, गोंडा नेपाल से पानी छोड़े जाने से उफनाई घाघरा नदी। एक ही रात में घाघरा का जो जलस्तर है बढ़ने से दहशत का माहौल बना हुआ है। खतरे के निशान से घाघरा नदी जो है वो यहां पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर नीचे ये नदी बह रही है। 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और तीन अलग अलग बैराजों से नदी में पानी छोड़ा गया है। शारदा, सरयू और गिरजा बैराज से जो पानी है वो बड़ा है। और आपको बता दें कि तरबगंज के बच्ची माझा से लोगों का पलायन शुरू हो गया। खुद के बनाए हुए गए जो मकान है वो तोड़ रहे हैं लोग। आज ही गोंडा में जल शक्ति मंत्री का दौरा भी रहा। आपको बता दें बाढ़ बचाव कार्यों के मंत्री समीक्षा भी करेंगे। दोपहर 2 बजे विकारीपुर बांध का जायजा लेंगे। और अब ये पांचवी तस्वीर लखीमपुर की आपको दिखा रहे हैं। बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी छोड़े जाने से बाढ़ के हालात यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आप देखिए लोग अपने घरों को छोड़ छोड़कर जाने का मजबूर हैं। पलिया तहसील में दरअसल बाढ़ के हालात बन गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी पहुंचा है और पलिया में हाईवे पर बाढ़ का पानी बह रहा है। वही आपको बता दें मैलानी गोंडा रेलवे ट्रैक अतरिया के पास पानी आ गया है। पानी आने से आधा दर्जन जो ट्रेनें हैं वो संचालन उसका रोक दिया गया है। छठी तस्वीर सीतापुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कंपोजिट विद्यालय के परिसर में गंदा पानी भर गया है। पानी में फिसल कर गिर रहे छात्र जो है वो गिर रहे हैं। अब बच्चे जो है उनके लिए भी मुश्किलें हो गई हैं। जिम्मेदार अनजान है और बच्चों, शिक्षकों और रसोइयों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। पानी निकासी के लिए गंभीर ग्राम प्रधान और सचिव और साथ ही प्रधानाध्यापिका ने प्रधान पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। विद्यालय में समस्या बरकरार है, सफाई कर्मी भी गायब हैं और खैराबाद के कंपोजिट विद्यालय सरवरपुर का ये मामला बताया जा रहा है। ये हाल आप देख सकते हैं। तस्वीर नंबर 7,
ये सातवीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको अलग अलग उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों की तस्वीर हम दिखाते चल रहे हैं। मकसद यहाँ पर यह है कि देखिए जिम्मेदार प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सुने देखे कि क्या हालत बनी हुई है मानसून की पहली बारिश से। अब ये सातवीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती में बाढ़ बारिश का कहर, लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। राप्ती नदी का रौद्र रूप खतरे के निशान से 190 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नेपाल के पहाड़ों पर हुई भारी बारिश श्रावस्ती में आफत बनी हुई है और राप्ती के तटवर्ती गांव में भी बाढ़ का कहर बना हुआ है। अब यह आठवीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आप जहां पर जिला पीलीभीत में शारदा नदी में बाढ़ से रोड टूट गया है। बाढ़ का पानी कई गांवों के अंदर घुस गया है और फसलें तबाह हुई हैं। करीब 20 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। ये आठवीं तस्वीर अब हमने आपको दिखाई। अब आपको आगे लिए चलते हैं, नौवीं तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जहां पर गंडक नदी के बड़े जलस्तर ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। रेता इलाके में काम करने गए लोग पानी में फंसे हुए हैं। लगभग 20 लोग पानी में फंसे हैं। खेतों में काम करने गए थे लोग, वापसी में नारायणी का जलस्तर जो है बढ़ने से लोग फंस गए और गंडक नदी की धारा में फंसे लोग। बता दें आपको नेपाल ने गंडक नदी में 4.40 हजार क्यूसेक पानी जो खड्डा तहसील के शिवपुर रेता इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं तस्वीर नंबर 10 आपको बताते हैं मुरादाबाद में जहां पर पिछले 2 दिनों में भारी बारिश हुई है। बुधवार खो बैराज से छोड़े गए 13,786 क्यूसेक पानी के बाद यहां पर रामगंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में रामगंगा का जलस्तर 67 सेंटीमीटर बढ़ जाने के बाद बाढ़खंड और देवी आपदा विभाग अलर्ट हो गया है। तो ये आपको हमने तस्वीरें दिखाई और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि प्रदेश में किस तरीके से ये बारिश आफत बनकर टूटी है। यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों में किस तरीके से पानी भर गया है, खेतों में किस तरीके से पानी भर गया है, घरों में किस तरीके से पानी चला गया है। नुकसान यहां पर हर तरफ देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें जो हैं वो यहां पर रद्द करने पड़ी हैं और कई जगह पर जो रेलवे पुल है वो तक टूट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मानसून की दस्तक यहां पर किस तरह से लोगों के लिए आफत बनकर टूटी है और जो लोगों के अपने घर हैं उन तक में पानी घुस गया है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तो ऐसी हालत बनी हुई है कि लोग अपने घरों को खुद तोड़कर वहां से अपने मवेशियों को लेकर जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में यह हाल बना हुआ है। आप देखिए बरसात के दिनों में शासन प्रशासन दावे करता है अलर्ट मोड पर रहता है, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो अक्सर कई बार सामने आती हैं और जो लोग अब बेघर हो चुके हैं उनके लिए दिक्कत बढ़ गई है। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि अभी क्या हालात है और प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद बना हुआ है। लखीमपुर से राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रप्रकाश शुक्ला हमारे साथ श्रावस्ती से जुड़ गए हैं, श्रावस्ती में भी क्या हाल बने हुए हैं वो भी हम जानेंगे। धर्मेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ इस बीच पीलीभीत से जुड़ गए हैं। पीलीभीत में फिलहाल क्या कुछ हालात धर्मेंद्र बने हुए हैं, बाढ़ के हालात क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट बनाए, क्या कुछ व्यवस्था की गई वहां पर? यहाँ से सीलिंग से जो है बहती है उसमें 4 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी जो है यहाँ पर छोड़ा गया था। लगा हुआ सहक है देवा नदी है, वहां भी 2 लाख क्यूसेक टन ऊपर पानी इसको छोड़ा गया था। और बात करें पीलीभीत तो पीछे शहर समय जो है आप तस्वीरों साफ तौर से देख सकते हैं पीछे की किस कदर जो है शहर के अंदर का ये नजारा है जो आप तस्वीरों देख सकते हैं कि शहर के अंदर का ये हाल है। और लगा हुआ यहाँ कॉलेज है, कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे तैर रहे हैं इसमें। और बात करें यहाँ पर प्रशासन की तो प्रशासन ने अलर्ट तो कर दिया है, कितना खरा उतरता है प्रशासन ये देखने की बात होगी। यहाँ बात करें गजोला से भरखेड़ा जाने वाला मार्ग वो भी कट गया है। यहाँ पर पीलीभीत से फूलपुर को जो कनेक्ट करता है हाईवे वो भी कट चुका है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक है वो भी जो फूलपुर पीलीभीत से पूरनपुर मैलानी होते हुए जाता है वो ट्रैक भी नीचे से पानी के बहाव के कारण कट गया है। और लगातार संपर्क मार्ग जो बात करें जिले से तो कम से कम 1 दर्जन से अधिक संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। जी
बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। पीलीभीत में क्या हालात बने हुए हैं वो आपने यहाँ पर देखा और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। चंद्र प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने। चंद्र प्रकाश, श्रावस्ती में क्या हाल बने हुए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि जिला मुहाल हो गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अब लेकिन बात अगर यहाँ पर श्रावस्ती की करें तो क्या हालात बने हुए हैं वहां पर? हालात बने हुए हैं, शासन प्रशासन लगातार यहाँ पे कछार में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रहा है। यहाँ पे जो तहसील का जमुना का मुख्य मार्ग था वो मार्ग कट गया है, लोगों को आवागमन में काफी बड़ी समस्या उठानी पड़ रही है। प्रशासन यहाँ पे लगातार पहली नजर बनाए हुए है घटते बढ़ते जलस्तर को लेकर के। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो राप्ती नदी लगातार उसका जलस्तर अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह बनी हुई है। लगातार शासन प्रशासन एनडीआरएफ की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने के लिए जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, अलर्ट मोड पर है प्रशासन। राजेश शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं लखीमपुर खीरी से। राजेश, फिलहाल लखीमपुर खीरी की अगर यहाँ पर बात की जाए, किस तरीके से मौसम बना हुआ है, बाढ़ जैसे हालात जो अमूमन हम देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बने हुए हैं, लखीमपुर खीरी में किस तरीके से जो मौसम में बना हुआ है? भारी बारिश हो रही थी, भारी बारिश के चलते लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। जबकि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है वो पैदा बराज हो, चाहे बनबसा हो, चाहे जी तो विजय बराज हो, यहाँ से जो पानी छोड़ा गया है नेपाल की नदी मुहाना से जो पानी छोड़ा गया है, उसके कारण लखीमपुर में पूरी तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और सैकड़ों बीघे जमीन जो कि उसमें फसल बोई हुई थी वो पूरी तरह से जलमग्न है और पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे है। लखीमपुर खीरी में नदियां है जो काफी तेजी से बारिश में उफान पे आती है, सादा है, घाघरा है और मुहाना है। जबकि मुहाना नदी जो कि नेपाल से निकल के आती है ये तो काफी भारी मात्रा में तबाही मचाती है। सैकड़ों मकान जो कि बाढ़ के कारण कट जाते हैं, लोग आशियाना बना के तैयार करते हैं, लेकिन अगले साल बारिश आने तो उनके आशियाने खुद ही खुद नदी समा लेती है अपने अंदर। बिल्कुल, लेकिन अगर राजेश बात यहाँ पर की जाए, जिन लोगों के घर इस बारिश में तबाह हो गए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, फिलहाल ऐसे लोगों के लिए कम से कम कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? जी, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाती है, उनको दूसरी जगह बताने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन जब तक उनको बताने की प्रक्रिया पूरी जाएगा रोड के किनारे बेचारे रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि बाढ़ का कोई जरूर नहीं है कि आज किस गाँव को काटेगी। वो बड़ी भारी संख्या में पूरे पूरे गांव नदी में डूब जाते हैं कटान के चक्कर में, जिससे ग्रामीणों को भारी क्षति होती है, पूरे पूरे मकान चले जाते हैं, उनको खाने पीने की बहुत बड़ी समस्याएं हो रही है, पूरे पूरे गांव टापू बन जाते हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात बहुत ही गंभीर होते हैं, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन प्रशासन की जो सुविधाएं होती है वो उन जनमानस के लिए उस मुंह में जिया जैसे साबित होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और आपने देखा इन तस्वीरों में अलग अलग जगहों की कि किस तरीके से पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया है। और चलिए अब रुक करेंगे दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के और फटाफट अंदाज में। लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन का मामला, वकीलों पर कार्रवाई के विरोध को लेकर पुलिस का कमिश्नरेट लखनऊ जीएम को सौंपेगा ज्ञापन। रायबरेली में राहुल गांधी का दौरे को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ के बीच हुई तकरार, सांसद आवास के रास्ते में सड़क खुदाई को लेकर हुआ विवाद। लखनऊ में भारी बारिश का कहर जारी, नेपाल श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर बस्ती कई जिलों में हो रही है बाढ़ जिससे प्रभावित। सहारनपुर में युवती का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, अस्पताल संचालक डॉक्टर दंपति अस्पताल बंद कर हुए फरार, बजरंग दल बसपा और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बरेली में भारी बारिश के चलते कई इलाके हुए जलमग्न, स्कूल कॉलेज और घरों में भरा पानी, बारिश से जिले में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।
नोएडा में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन ने की तैयारियां। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। रायबरेली में ग्रामीणों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल और कानूनगो के साथ की गई थी पुलिस नापजोप करने से नाराज ग्रामीणों में किया था विरोध। उधर फरुखाबाद में भारी बारिश का कहर जारी, पानी के चलते यातायात बाधित। पीलीभीत में डीएम ने एक दिन के लिए स्कूल बंद करने के दिए आदेश। बीएसए ने 1 से 8 तक के अवकाश के दिए निर्देश, जलभराव को लेकर दिया आदेश। अलीगढ़ में यूपी मंत्री संदीप सिंह के घर के पास हुआ जलभराव। स्मार्ट सिटी से तस्वीरें आई सामने, जलभराव को लेकर लोगों में नाराज। चलिए उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।